आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। उत्तराखंड क्रांति दल भी चुनाव को तैयार, घोषणा पत्र में चार मुद्दों को बनाया हथियार। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड क्रांति दल भी चुनावी तैयारियों में जुट गया है। इस बार दल सख्त भू कानून, राजधानी गैरसैंण, पलायन, रोजगार व स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहा है। इन सभी मुद्दों को घोषणा पत्र में भी शामिल किया जा रहा है। दल का घोषणा पत्र 20 दिसंबर तक जारी करने की भी तैयारी है। इसके साथ ही प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी की जाएगी। रुड़की में पतंजलि से ट्रक में सामान लाद दूसरे राज्य जा रहे चालक का ट्रक धंसा, सुबह कैबिनेट में पड़ा मिला शव। हरिद्वार जिले के लंडौर में सड़क किनारे धंसे हुए एक ट्रक के चालक की रात के समय संदिग्ध हालात में मौत हो गई। शव मिलने पर हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, तो वहीं आशंका जताई जा रही है कि ठंड से चालक की मौत हुई होगी। तो वहीं बताया जा रहा है कि सोमवार की रात मनोज कुमार ट्रक में पतंजलि कंपनी का सामान लेकर दूसरे राज्य के लिए निकला था। जैसे ही वह लंडौर की नदी के कुछ आगे पहुंचा तो अचानक ही सड़क किनारे उसका ट्रक धंस गया। प्रियंका का प्रधानमंत्री से सवाल, बोली मोदी जी आप यूपी में हैं, क्या गायों की दुर्दशा पर सीएम से जवाब मांगेंगे। बांदा में गोवंशी पशुओं को दफनाए जाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और प्रधानमंत्री से भी सवाल किया है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में बुंदेलखंड में गोवंशी पशुओं की क्रूरता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाने का प्रयास किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य कृष्ण कुमार सिंह भोले इस प्रकरण की जांच के लिए अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। जौनपुर में अखिलेश यादव बोले, क्षेत्रीय दलों को साथ लाकर उत्तर प्रदेश में करेंगे सत्ता परिवर्तन। उत्तर प्रदेश में 2022 में सत्ता परिवर्तन के प्रयास में लगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जौनपुर पहुंचे और उनका जौनपुर में 2 दिन का प्रवास है, जहां से वह समाजवादी पार्टी के विजय रथ यात्रा निकालेंगे। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास उत्तर प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चुनाव मैदान में उतरने का है। हमको भरोसा है कि क्षेत्रीय दलों के साथ लाकर हम उत्तर प्रदेश की सत्ता में परिवर्तन करेंगे। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।